हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं बहुत सुंदर बेबी स्वेटर के पैटर्न लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी बिगनर्स इसे आराम से बना सकता है। ये जो है हाफ स्वेटर, ये 0 to 6 month के बेबी के लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप बड़ा बनाना है तो इसमें आप फंदे अपने प्रोजेक्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने बेबी वूल का यूज़ किया है और इसके जो है सेंटा क्लॉस का डिज़ाइन, स्नोमैन के डिज़ाइन मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आज इस वीडियो में मैं क्रिसमस ट्री का डिज़ाइन बनाऊंगी। तो आइए इस स्वेटर को हम बनाना देखते हैं। हेलो फ्रेंड, आप जो कि यहाँ पे हमने ये एक पार्ट मैंने बना चुके हैं ऑलरेडी, और इसमें मैं बना के दिखाऊंगी कि मैंने कैसे उसमें बनाया था। तो यहाँ पे मैंने 3, 2, 1 के जो है फंदे हमने घटा दिए सीधी सिलाई में। पहले 3 फंदे, फिर 2 फंदे, फिर 1 फंदे। इस तरह से ये मुड्ढा वाला पार्ट घटा दिया। अब उसके बाद जो है हमारा यहाँ से ये क्रिसमस ट्री के डिज़ाइन बनना शुरू होते। ये डिज़ाइन बनाने के लिए 7+1 के मल्टीपल्स हम फंदे लेंगे। ब्लैक है, यहाँ से एक मैंने पेड़ शुरू होगा, दूसरा नेक्स्ट वाला 7 फंदे बाद शुरू होगा। फिर इसी तरह से हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 2, 4, 6 and 7 फंदा वाइट बन गया। फिर 1 ब्लैक, इसी तरह से 1 काला और 7 सफ़ेद हम पूरी सिलाई बनाते हुए कंप्लीट करेंगे रो नंबर 1। और फिर रो नंबर 2 में आते हैं। अब रो नंबर 2 में हमारा यहाँ पे 7 ब्लैक बन जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर बीच में 1 वाइट रहेगा, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इस तरह से जो बीच में एक फंदा बनाए थे उसके 3 फंदे इधर हमारा ब्लैक बढ़ जाएगा और 3 फंदे दूसरे साइड में। ये हमारा एक ट्री का पार्ट बना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम 1 वाइट बनाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए अगला वो आ गया, तो इसके इधर 3 फंदे बन जाएंगे और इधर 3 फंदे हमारे बन जाएंगे। तो इस तरह से 7 फंदे हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। तो फिर ये कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वाला शुरू हो गया। तो इसी तरह से 7 ब्लैक 1 वाइट बनाते हुए पूरी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। ये मेरा रो नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब रो नंबर 3 में आते हैं। रो नंबर 3 में हम यहाँ पे देखिए ये 1, 2, 3 हमारा वाइट बन जाएगा, बीच में 1 ब्लैक रहेगा, फिर 7 हमारा बीच में वो पूरा वाइट बन जाएगा। तो जैसे हम कि रो नंबर 1 में बनाए थे वही उसी तरह से यहाँ बनाएंगे। शुरू के मेरे 2 फंदे वाइट है तो इसको हम वाइट बीन लेते। उसके बाद ये जो हमारे 3 फंदे ब्लैक बन वाइट बड़ इधर बन जाएंगे, 1, 2, 3। फिर उसके बाद 1 बीच का ब्लैक बनेगा, फिर 7 फंदे हमारे वाइट बन जाएंगे।
ये देखिए एक ट्री का ये हो गया, बीच का वाइट वाला था ये वाइट बन गया, फिर इधर से तीन ब्लैक के ऊपर वाइट बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे टोटल 7 फंदे वाइट हो जाएंगे। तो 7 वाइट 1 ब्लैक, ऐसे करके पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर रो नंबर 4 पे आते हैं। रो नंबर 5 में यहाँ देखिए रो नंबर हमारी 4 बन रही है। 4 में हमारा 5 ब्लैक बनेंगे और 3 वाइट बन जाएंगे। तो बीच में जो ब्लैक वाली लाइन बन रही है उसी की सिलाई में 2 फंदे लेफ्ट हमारे बढ़ जाएंगे ब्लैक और 2 फंदे राइट साइड में। तो इस तरह से जो हमारे 5 फंदे बन जाएंगे ब्लैक के। पहले हमारा 7 था और उसके बाद अब जो 4th लाइन में 5 बन गए। अब बीच के हमारे 3 फंदे वाइट बन जाएंगे। तो इस तरह से 5 ब्लैक और 3 वाइट, ये पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से 5 ब्लैक 3 वाइट हमारा पूरी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। अब रो नंबर 5 में हमारा 7 वाइट बन जाएगा, 1 ब्लैक बन जाएगा। 1 2 3 4, इस तरह से इधर के साइड के वाइट बन गए, बीच का एक ब्लैक हो गया, फिर 7 हमारा वाइट बन जाएगा। 1 2 3, फोर 5 6 और 7। फिर अगला पैटर्न शुरू हो गया, यहाँ पे भी 7 वाइट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 ब्लैक। ये हमारा रो नंबर 5 बन गया। अब रो नंबर 6 में आते हैं। रो नंबर 6 में हमारा जो है 3 ब्लैक बन जाएगा। बीच में एक ब्लैक था तो वहाँ पे हमारा 3 ब्लैक बन जाएगा, एक लेफ्ट में बढ़ जाएगा एक राइट में बढ़ जाएगा। 1 2 3, फिर उसके बाद हमारा वाइट बनेगा। 1 2 3 4 और 5, 5 हमारा सफ़ेद बन गया। फिर 3 ब्लैक, 1 2 3, फिर 5 वाइट, 5 1 2 3 4 और 5। इस तरह से 3 ब्लैक एंड जो है 1 2 3 काला बनेगा और 5 जो हमारे बीच के सफ़ेद बनेंगे। इसी तरह से इसी पैटर्न पे पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट होगी। ये हमारी रो नंबर 6 कंप्लीट होती है। अब रो नंबर 7 आते हैं। रो नंबर 7 में हमारा 1 ब्लैक बनाएंगे। और 3 वाइट बनेगा। 1 2 3 वाइट बनेगा। फिर 1 ब्लैक। फिर 3 वाइट बनेगा। 1 2 3, फिर एक काला, फिर 3 सफ़ेद, 1 2 और 3, फिर एक काला, 1 2 3। इस तरह से जो 1 ब्लैक 3 वाइट, 1 ब्लैक 3 वाइट, 1 ब्लैक 3 वाइट, इस तरह से पूरी सिलाई हम ये रो नंबर 7 कंप्लीट कर लेते हैं।
नंबर 8 में, ये हमारा रो नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। अब रो नंबर 8 में आएंगे। रो नंबर 8 में यहाँ देखना है, ये जो बीच में एक ब्लैक है उसके ऊपर ब्लैक बनेगा, और वाइट के एक इधर हमारा ब्लैक बनेगा और एक वाइट के इस ब्लैक के एक इधर ब्लैक बनेगा। तो आइए इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा बीच एक ब्लैक है, ये तो इस ब्लैक के ऊपर ब्लैक बनेगा, वन ब्लैक, फिर उसके बाद जो है वन ब्लैक के बाद टू वाइट, फिर वन ब्लैक, फिर टू वाइट, वन टू वाइट, थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और पुराने हैं तो जैसा आपको पता है कि अपने अच्छे अच्छे कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे डिज़ाइन लेके आ सकूं।